हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बेल के बारे में बताने के लिए चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बेल है और हमारे भाषा में सिंजो बोलते हैं और उड़िया भाषा में बेल बोलते हैं और हिंदी भाषा में मुझे मालूम नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए बहुत सारे बेल है। तो मैं 2-3 पीस तोड़ लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या क्या काम करता है, ये बेल को क्यों खाते हैं और किस लिए खाया जाना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों बाद में। तो देखिए, देखिए बड़ा बड़ा बेल हमारा इधर है, तो मैं तोड़ लिया हूँ। हेलो दोस्तों, ये बेल के बारे में आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ। दोस्तों, ये कच्चा वाला बेल है और मैं बेल को तोड़ के लाया हूँ। और दोस्तों, ये खाने से क्या क्या लाभ होता है मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ। दोस्तों, ये खाने से लेट्रिन साफ होता है और गैस एसिडिटी में ये अच्छा काम करता है दोस्तों। और जिसका लेट्रिन साफ नहीं जा रहा है वो भी ये बेल को खा सकता है। और सुबह और शाम 100 ग्राम खाने से, सुबह और शाम 100 ग्राम खाने से, खाना खाने से पहले जो अगर खाएगा उसका गैस एसिडिटी ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम आदिवासी लोग ये बेल को खा करके हम गैस एसिडिटी से हम ठीक हो रहे हैं। और दोस्तों, ये कच्चा वाला बेल है, तो ये बेल को पानी में सिझाना पड़ता है 20 से 25 मिनट तक, और उसको उतार करके इसको तोड़ना पड़ता है। और 100 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम से काम भी हो सकता है या ज़्यादा आप लोग खा भी सकते हैं इसका, ये ज़्यादा खाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग ज़्यादा गैस एसिडिटी में अगर परेशानी है तो दोस्तों, आप लोग सुबह शाम 100 ग्राम आप लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बेल को गर्म वाला पानी में सिझाऊंगा और दोस्तों उसको खाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं जो बेल सिझा रहा हूँ वो देखिए किस तरह से हो रहा है। दोस्तों देखिए, मैं जो बेल को सिझाया था, बेल हो गया है दोस्तों, मैं उतार दिया हूँ दोस्तों। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ और बाहर में थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ, उसके बाद इसको खाऊंगा दोस्तों।
दोस्तों देखिए मेरा बेल हो गया है दोस्तों, अभी इसको तोड़ूंगा और खा लूंगा दोस्तों। बहुत गर्म है दोस्तों। थोड़े टाइम वेट करता हूँ दोस्तों, बहुत अभी गर्म है। देखिए दोस्तों बहुत गर्म है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम तोड़ करके हम इसको खाते हैं दोस्तों। अच्छा लग रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको भी थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ।
तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हम बेल को सीझा के खाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको खाने में जिसका लेटरिंग ज़्यादा टाइट हो रहा है, यानी कि इस तरह के पत्थर जैसा बहुत हार्ड हो रहा है, तो वो भी ये बेल को खा सकता है। तो लेटरिंग बहुत ही नॉर्मल होता है, और जिसका लेटरिंग ज़्यादा पतला जा रहा है, तो वो आदमी भी इसको इस तरह से खाने से उसको तुरंत आराम मिलेगा दोस्तों। ये कांचा वाला बेल है, तो अभी पका हुआ बेल नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम नहीं हुआ है। तो ये मैं बड़ा साइज का लाया हूँ, तो अभी इसको खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से जिसका गैस एसिडिटी प्रॉब्लम है, यानी कि जिसका लेटरिंग ज़्यादा गड़बड़ी है, पतला जा रहा है, और जिसका लेटरिंग में प्रॉब्लम है, और लेटरिंग होने से भी लेटरिंग नहीं जाता है, वो भी इसको खा सकता है दोस्तों। सुबह शाम 100 ग्राम लगभग आप लोग खा सकते हैं। खाना खाने से पहले खाने से अच्छा होता है दोस्तों। और दोस्तों बहुत सारे लोग, हमारे आदिवासी लोग जो कि अनपढ़ हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कम करते हैं और खाना भी खाते हैं, मगर वो लोग पानी नहीं पीते हैं ज़्यादा। इसलिए बहुत सारे लोगों को गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। पानी कम होने के बजाय बहुत सारे लोगों को पानी कम पीने के बजाय बहुत सारे लोगों को गैस एसिडिटी होता है, और बहुत सारे लोगों को लेटरिंग का प्रॉब्लम भी होता है दोस्तों। तो मैं कहने के लिए चाहता हूँ, जो भी हो, हम लोग खाना खाने के आधा घंटा बाद हम लोग को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लगभग हम लोग एक दिन में 4-5 लीटर पीना चाहिए। दोस्तों इस तरह से आप लोग अगर सिंजो या बेल को खाओगे तो गैस एसिडिटी से आप लोग ठीक हो सकते हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता होगा। तो दोस्तों मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, आज का वीडियो इतना ही है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत अच्छा है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।